परम्यूटेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रमचय, और कॉम्बिनेशन को संचय। हमारे पास दो टॉपिक पढ़ना है, क्रमचय और संचय। ये हिंदी में इसका नाम है। हिंदी में नाम जानने का मेन कारण क्या है कि हिंदी में नाम जानने से ये जो नाम इसका क्रमचय और संचय है, इससे हमको इसका परिभाषा के बारे में पता चल जाता है कि क्रमचय और संचय में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्रमचय में आते हैं। क्रमचय का मतलब है क्रम से चयन, क्रम से चयन। जबकि संचय का मतलब है सिर्फ चयन, सभी में से चयन, सभी या सभी में से चयन, मतलब चुनना। एक तरह से दोनों ही हम लोग का काम यही करना है कि चुनना है, दिए हुए चीज में चुनना है या दिए हुए चीजों में से चुनना है, या जितने दिए हुए चीजें उनसे चुन करके बनाना है। इसमें क्रम से चयन है, मतलब चयन करते समय हम लोग क्रम का ध्यान रखेंगे, उसको हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं। और जबकि कॉम्बिनेशन में हम लोग क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे, किसी भी तरह से उसमें चुन सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में। उसमें ऑर्डर का कोई मायने नहीं होता है, जबकि इसमें कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का मायने होता है। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, जबकि इसको सी से शुरू है तो सी से डिनोट करते हैं। इसमें कोई चीज जान लेते हैं पी, इसको लिखने का तरीका, जैसे आपको 10 चीजों में से 5 चीज को चुनना है, और उससे आपको मतलब चुनना है क्रम से, तो यहां पर हम लिखेंगे 10P5, इस तरह से लिखेंगे। ऊपर में टोटल नंबर और नीचे में जितना चुनेंगे हम लोग। इसमें भी यही है, 10 में से 5 चीज अगर हमको चुनना है, कोई ऑर्डर हो या ना हो, लेकिन लिखेंगे 10C5। तो दोनों का लिखने का वो सही सिंबल क्या है, NPR, और इसका होता है NCR, इस तरह से लिखाता है। ठीक है, NPR और NCR, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब NP और NCR का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ थिंग्स है N, R उसमें सेलेक्टिव थिंग्स, और P है उसका परमुटेशन। नंबर ऑफ थिंग्स, R सेलेक्टिव थिंग्स, और उसका कॉम्बिनेशन, ये है। तो दोनों के लिए कुछ कुछ फॉर्मूला हमारे पास है, उस फॉर्मूला में आएंगे और उसके बाद से काम करते हैं। पहले फॉर्मूला थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि फॉर्मूला होगा क्या। इसमें एक मैथ्स का नया चीज जुड़ता है जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ना रहता है, इससे पहले इस चीज को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसमें एक चीज आता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन मतलब कोई भी नंबर का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल एन, तो इसका मतलब क्या है कि एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, जो कि एन प्रारंभिक मतलब शुरू से प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। जैसे कि फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, एंडिंग हमेशा 1 पर ही होगा। जो भी रहेगा, जितना भी फैक्टोरियल रहेगा, हमको उसी को गुणा करना है। 5 × 20 = 60, 5 × 20 = 60, 60 × 120, इसका आंसर होगा 120। अगर फैक्टोरियल 6 लिखा है तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से 12 × 6 = 72, 720। ठीक है, ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। इसमें कुछ चीज और है, देखिए, जैसे कि सपोज करते हैं 6 है, और इसमें सब 6 निकाल देते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, 6 − 1 एक घटेगा, या 6 निकाल देते हैं, जैसे ये 6 है, 6 को हटाते हैं यहाँ से लेते हैं, तो क्या बचेगा, 6 × 5। देखने का तरीका हमें इसका मतलब, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 − 1, मतलब कि फैक्टोरियल एन से अगर हम एन कॉमन लेते हैं, अगर एन है मेरे पास फैक्टोरियल, इसे एन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, n × n − 1 फैक्टोरियल में। ये इसका तरीका है। ये आपको इसलिए तरीका बता दिया जा रहा है ताकि आपको सॉल्व करते समय इसके क्वेश्चन को ये सुविधा हो, ये आपको मालूम होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि आपके पास एक तो हम लोग के पास NPR, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n − r, इसका फॉर्मूला यही होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। अब एग्जांपल में आते हैं, अगर मेरे पास है 10P7, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 7, इसको सॉल्व करने का तरीका यही होगा, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 7,
इसको आप सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 7 मतलब क्या आया 3, 10 माइनस 7 का मतलब 3। अब देखिए इसका फायदा क्या आपको हो जाएगा कि 3 है, इसका मतलब है कि इसको जब हम लिखेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अब फायदा ये होगा कि 3 काट के हमको 3 और 2 दो से गुणा करने से हम बच गए, हमको गुणा इतना ही का करना होगा। अगर सपोज करते हैं एन पी आर में 10p2 रहता, सपोज करते हैं ऐसा, इसमें देखिए 10 फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 8, तो फायदा क्या होगा 10 इंटू 9, 10 निकालेंगे 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा 8 तक का फैक्टोरियल बचेगा, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 8, 8 ऐड कर दिया 10 करोड़ 90। इस तरह से हमको गुणा करने से बच गया, लंबा मल्टीप्लीकेशन से बच जाते हैं, इसका फायदा हमको यहाँ मिलता है। ठीक है, इस तरह का मतलब निकालना सीख लीजिए। अगर इससे हम एन माइनस 1 भी निकालते हैं, एन माइनस 1 यहाँ क्या बचेगा एन माइनस 1 माइनस 1 मतलब एन एन माइनस 1 और अंदर में एन माइनस 2। देखिए अगर 6 निकाले तो फैक्टोरियल 5, 6 और 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा फैक्टोरियल 4 बचेगा, तो 6 और 5 निकल गया। तो ये हमको इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये फैक्टोरियल का वैल्यू है, मतलब इस तरह से फैक्टोरियल, ये नया टर्म है आप लोग के लिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल अभी तक क्लास 9 10 में कहीं भी आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता, ये यहाँ पर इसका नया टर्म है। उम्मीद करते हैं ये क्लियर होगा सबको, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, कुछ एक फॉर्मूला में आते हैं फिर से, हम पहले बताए देखिए फैक्टोरियल एन पी आर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, जबकि एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब इसमें थोड़ा सा देखिए दोनों का फॉर्मूला में अंतर है सिर्फ इतना का कि यहाँ पर आर आ जाता है। ये R क्यों आता है, इसका एक रीजन है, रीजन ये है कि ये अरेंजमेंट है मतलब सही ऑर्डर के व्यवस्थित क्रम है, जबकि इसमें ऑर्डर के व्यवस्थित क्रम नहीं है। अगर हम इसी को ऑर्डर में कर देते हैं तो फैक्टोरियल R, जैसे तीन चीज निकाले पांच में तीन चीज निकाले, तीन चीज निकालने का हो जाएगा मेरे पास चुनने का, कोई पांच बॉल लिए पांच बॉल में से कोई तीन बॉल लेना है तो 5CR चुनने का है मतलब 5C3 हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ये हमको रिजल्ट आएगा। अब इसमें अगर बोलते हैं कि नहीं तीन चीज को अरेंज भी कीजिए, चुन करके उसे अरेंज भी कीजिए, तो अरेंजमेंट का तरीका होता है फैक्टोरियल 3 वेज, कैसे होता है हम लोग देखेंगे इसको आगे। तो फैक्टोरियल 3 मतलब फैक्टोरियल 3 और 3 कट गया तो क्या बचा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 3 मतलब 5PR बचा 5P3, तो 5C3 से 5P3 कब बचता है जब अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि जब हम इसको फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, फैक्टोरियल R से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है NPR। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि NCR को अगर हम फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो रिजल्टेड होता है फैक्टोरियल NCR मतलब कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में अगर हम फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है परम्यूटेशन में। इस चीज को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज बता दे रही है कंपटीशन का है या तो फिर 11th का, 10th क्या है, 9th की बच्ची ऐसे न देखे उन लोग को समझ में नहीं आएगा, उनके बाहर का भी दिमाग का है, हालांकि समझने का चीज समझ सकते हैं लेकिन उनका फायदा करें क्योंकि उनके सिलेबस का चीज नहीं है। ठीक है, ये NPR में कन्वर्ट हो जाता है हम लोग का, ये एक तो हम लोग का फॉर्मूला का टेक्निक है। और भी तो अब इसमें आगे बढ़ते फिर कुछ ट्रिक्स में आते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स में, ट्रिक्स का मतलब कुछ ऐसी चीज है जो आप लोग को याद रखना है। जैसे NP0 मान लेते NP0 है, एक भी सामान नहीं लेंगे तो इसका क्या टेक्निक होगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 0 मतलब कि फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n, कट गया रिजल्ट आया 1। इसमें एक चीज और बताते हैं आपको, फैक्टोरियल 0 का मतलब भी 1 होता है,
जीरो का मतलब एक भी नहीं, तो हम लोग इसमें ये नहीं कि जीरो बैठाएंगे। अगर फैक्टोरियल जीरो है तो उसके जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे, तो वन। एन पी जीरो लेंगे तो मेरे पास क्या बचा, वन। अच्छा एन पी एन लेते हैं, एन पी एन लेंगे तो फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन माइनस एन, ठीक है, फैक्टोरियल एन माइनस एन, तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल जीरो, मतलब कि फैक्टोरियल एन बाय वन, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, फैक्टोरियल एन। मतलब अगर आपको कहीं भी ऐसा आए सिक्स पी सिक्स तो सीधा बैठाइएगा फैक्टोरियल सिक्स, फाइव पी फाइव तो सीधा बैठाइएगा फैक्टोरियल फाइव। उतना फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, ऐसा फॉर्मूला याद रखिएगा, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज का, इसका 720 होता है, इसका 120 होता है, बस बस हाँ इस तरह से याद रखिएगा, छोटा छोटा तुरंत मल्टीप्लाई दिमाग में रहेगा। कम से कम 10 तक का कोशिश कीजिए, 8 तक का तो जरूर कोशिश कीजिए फैक्टोरियल याद रखें, 1 2 3 4 5 6 8 तक का शायद जरूरत पड़े, ऐसे 6 तक का सबसे ज्यादा यूज होता है, उससे ज्यादा यूज नहीं होगा। 1 to 6 तो 1 का तो सब जान रहे, 2 बहुत आसान है, 3 भी बहुत आसान है, 4 5 6 याद रखिएगा, ठीक है, 4 5 6 याद रखिएगा तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा कि स्पीड बढ़ेगा थोड़ा, तो बार बार उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और तो सीधा उसके रिजल्ट बैठाइएगा। तो ये हमारा एन पी जीरो जान गए, फैक्टोरियल जीरो जान गए, एन पी एन जान गए, तीन चीज हम लोग के पास मेन में था। अब जो काम इसमें किए हैं वही काम सी में करेंगे। देखिए एन सी जीरो फैक्टोरियल एन, आर के जगह पर फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल एन माइनस जीरो, ये तो वन हो गया, फैक्टोरियल वन, वन फैक्टोरियल एन, एन कर दिया, क्या बचा, वन। जो एन पी जीरो का वैल्यू है वही एन सी जीरो का क्यों वैल्यू है, क्योंकि हम किसी चीज को तो लेवे नहीं किए, आर इक्वल टू जीरो बैठा दिए, इसका मतलब आर इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास कोई अरेंजमेंट का टेक्निक ही नहीं, एक तरीका जो सामने दिख रहा, बस सिंपल काम करना है। ये एन सी जीरो का हो गया, सिमिलरली हम लोग काम कर सकते हैं एन सी एन का भी, एन सी एन का इसका भी काम करेंगे, तो एन फैक्टोरियल एन, एन माइनस एन, ये तो जीरो हो जाएगा, वन वन कट गया मतलब वन हो जाएगा, वन बाय वन इक्वल टू वन, एन सी एन भी वन, एन सी जीरो भी वन, एन पी जीरो भी वन, लेकिन एन पी एन अलग होता है, इसको याद रखिएगा, एन पी एन जो होता है हमारे पास वो अलग होता है, एन पी एन जो होता है वो फैक्टोरियल एन होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा टेक्निक्स था जिसको कि हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बार बार उसको सॉल्व किए बिना। अच्छा इसमें एक चीज और देखते हैं, एन सी वन देखते हैं, इसको मिटाते हैं और एन सी वन और एन सी टू देखते हैं। देखिएगा एन सी वन फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल एन माइनस वन, ठीक, इसमें से एन निकालते हैं तो क्या बचेगा, एन माइनस वन, और यहाँ पर वन ही है और ई एन माइनस वन, ये दोनों कट गया तो क्या आया एन, मतलब एन सी वन का क्या होगा फॉर्मूला, सीधा सीधी एन, एन सी वन इक्वल टू एन, कोई फैक्टोरियल नहीं। आपको सिक्स सी वन मतलब छह चीज में से एक चीज लेना है, चुनना है, तो क्या होगा उसका तरीका, तो छह में से एक, तो छह को बारी बारी से, सिंपल छह को बॉल है, छह में से कोई एक चुनना है, तो तरीका क्या, या तो इसको या तो इसको, इसको किसी को भी चुनेंगे तो कितना तरीका होगा, छह तरीका, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा आएगा सिक्स सी वन तो सीधा आंसर सिक्स चुनने का, कहीं क्रम तो इसमें काम नहीं किए, सिर्फ पी यूज नहीं करेंगे कि किसको चुनने का कैसा क्रम है, क्रम में काम नहीं कर रहे इसलिए वो सब काम नहीं करेंगे, सीधा हम लोग एन सी वन इक्वल टू सीधा सिक्स आंसर बैठाएंगे। इसी तरह से आते हैं एन सी टू में, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल एन माइनस टू, तो इससे एन निकालते हैं, फिर एन माइनस वन निकालते हैं, तो अंदर एन माइनस टू बचा, फैक्टोरियल टू का टू इन टू वन लिखेंगे, एन माइनस टू, ये और ये कट गया, एन एन माइनस वन बाई टू, ये एन सी टू का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एन एन माइनस वन बाई टू, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एन एन माइनस वन बाई टू, ये दो ठो आपका डायरेक्ट टेक्निक के रूप में हम लोग यूज करेंगे, बार बार इसका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है,
अभी भी वीडियो रुका हुआ है कि अभी चल रहा है? अभी वीडियो रुका हुआ है कि चल रहा है? आप लोग लिख रहे कि वीडियो नहीं चल रहा है, तो पूछ रहे वीडियो अभी रुका हुआ है कि चल रहा है? नहीं चल रहा, सिर्फ साउंड आ रहा और वीडियो चल नहीं रहा। तो किसी का नहीं चल रहा है, खाली आपका। ठीक है, तो इसको यहीं बंद करते हैं, वीडियो फंसा हुआ लग रहा है, इसको यहाँ बंद करते हैं और देखते हैं दोबारा स्टार्ट करके क्या होता है।